मेरे बाल का क्या हाल हुआ रहता है? छोड़ दूंगा ना, अगर एक साल छोड़ दिया ना तो सब बाल का कचरा निकल जाएगा। क्या इस अंश के डैडू उठ चुके हैं और मैंने यहाँ पे खाना बना दिया चिकन, और अंश को रोटी दे दिया है। अंश के सर चले गए हैं, अंश टीवी देख रहा है और आलू पराठा खा रहा है, और मैं जा रही हूँ जिम के लिए रेडी होने, और अंश के डैडू ऊट सूत के रेडी हो गए। वाह, ऐसा होना चाहिए इंसान को, ऊट सूत के रेडी हो जाना। फेस वॉश कर लेंगे क्योंकि ये मेरा टाइम होता है 1 आवर्स। तो गाइज, अगर आप लोग भी अपने आप को टाइम देना चाहते हैं तो थोड़ा है ना, अपने आप को थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा जिम ज्वाइन कीजिए। जिम नहीं कर सकते तो घर पे ही एक्सरसाइज कीजिए, लेकिन एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं जा रही हूँ एक्सरसाइज करने। अभी टाइम 9 बजने जा रहा है, देखिए, फिर भी मैं जा रही हूँ। कभी कभी मन होता है नहीं जाऊँ, इतना थक जाती हूँ, पैर दर्द करता है, हर चीज़ बहुत थकान होता है, मेरा भी मन करता है कि मैं सो जाऊँ, लेकिन नहीं, जाना है तो जाना है। मैं जा रही हूँ रेडी होने, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। गाइस, मैं रेडी हो चुकी हूँ, लेकिन है ना, कल मैंने स्टिच के लिए जो ब्लाउज दिया था, पता नहीं वो कैसा सिलेगा कैसा नहीं, तो दुकान पे जाके मैं एक बार। गाइस, ये मैंने लहंगा से स्टिच कराया था, वो अपनी बहन के शादी में ये वाला लहंगा, ठीक है ना, ये वाला लिया था। तो इसमें जो कफ लगाया है ना, ये बिल्कुल बकवास लगाया हुआ है, तो मैं वही बताने जा रही हूँ जो पैड वैड लगाया है। ब्लाउज अच्छा नहीं सिला था तो मैं वही उसे बताने जा रही हूँ कि ऐसा मत सिल देना, नहीं तो बकवास लगेगा। देखिए, मैंने ना ये वाला ब्लाउज लिया है, हाथ में ही ये वाला ब्लाउज मैंने लिया है, कोई मुझे बैग नहीं दिया है रखने की, और ये जिम बैग मैंने एक्स्ट्रा बैग भी नहीं किया है कि एक बेबू के पास बैग है, एक इनके पास बैग है और एक मेरा है। तो कोई बात नहीं, मैं हाथ में ही लेके चली जाऊंगी, मुझे सारों में नहीं लगता, लोग देख के क्या बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। इंसान को किसी भी चीज का शर्म नहीं करना चाहिए। क्या चलती वन सो दो दो उतरो। गाइस, ये डॉग से डर रहा है, यहाँ पे डॉग वॉग दौड़ रही है ना, उधर भौंक रहा है, ये डर रहा है क्योंकि है ना, इसको डॉग ने एक बार अटैक कर दिया था, जा रहा था खेलने, तभी से ये डर रहा है। मैं भी इसी तरह मैं डॉग से डरने लगी थी, क्योंकि मैं किसी और दिन स्टोरी आपको बताऊंगी कि मैं डॉग से क्यों डरती हूँ। चलो अंकल के साथ आके बात कर लेना। क्या? नहीं नहीं, रहने दो अंकल का, किसी दिन आके बात कर लेना, ठीक है? हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अंश को खांसी क्यों हो गया? क्या कर रहा है अंश? अब जा रहा है स्कूल तैयार होने, उल्टी जैसा मन हो रहा है, वोमिटिंग हो रहा है, पता नहीं क्यों। तो अंश, कौन सा पानी तू अंश को, कौन सा जहरीला पानी बोल रहे थे? जहरीला पानी को जहरीला पानी बोल रहा था। तो ये क्या क्या कैसे बनाना है, रेसिपी बताइए तो जलजीरा पानी का, आप लोग का थोड़ा सा काला नमक और वो वाला जो पेट खराब होता है खाया जाता है वो चीज, उसका नाम क्या है? जलजीरा, काला नमक और जलजीरा पानी। ओके, नफरत सा फील होने लगा अब, है ना, अलार्म बजता है ना, बहुत गुस्सा आता है अब हम लोगों को। लीजिए, डैडू बेटू को तैयार कर रहे हैं और मैं चली किचन में। मैं अभी सोच रही हूँ गाइस, अभी है ना ऑफिस का भी तैयारी कर लूँ, खाने का कुछ कुछ, क्योंकि एक बैग नहीं हो पाता है। तो मैं है ना अभी गोभी का सब्जी बनाऊंगी, पोहा बनाऊंगी, अंश के लिए आलू पराठा बनाने जा रही हूँ। और अंश, ये मेरा पानी गर्म हो गया है तो इसमें मैं ज्वारी की रोटी, अभी ज्वारी का आटा गूंथूंगी सुबह सुबह।
ज्वारी और रागी मिला के आटा बनाया है। ओके, तो इसमें तीन रोटी आराम से बन जाएगा। तीन रोटी इतना मोटा होता है, मतलब दो रोटी ये खाएंगे, एक रोटी मैं खाऊंगी, तो इसमें तीन रोटी आराम से बनता है। सूज इसमें अंश का जलजीरा पानी बन रहा है, तो इसमें नमक, जलजीरा और नींबू डाल के मैं दे रही हूँ, क्योंकि अंश को सुबह सुबह कुछ नहीं खाना है। आलू पराठा बन गया है, मैंने थोड़ा फैन के नीचे रख दिया है, नहीं तो वो हो जाएगा। क्या क्या बेटा, क्या बोल रहे? कुछ भी नहीं खा रहा है गाइस, ये इसका मन नहीं है इतना सुबह सुबह खाने के लिए, तो बस बनाना खा रहा है। स्कूल जा रहा है। सर्दी हो गया क्या बेटा? दोनों में एक साथ आ रहा है। गाइस अंश स्कूल चला गया है, अभी हम जा रहे हैं। तड़का वाला दाल बनाया है मैंने, तो तड़का वाला दाल अभी गल रहा है, इसमें मैं अभी तड़का वाला दाल बना रही हूँ, दाल गल रहा है। अभी मैं जाऊंगी गोभी की सब्जी बनाऊंगी। गाइस मैं अभी गोभी की सब्जी बना रही हूँ, तो यहाँ मैंने प्याज कट कर लिया है, गोभी भी कट कर लिया। अब मैं इसमें गोभी और आलू डाल के गोभी की सब्जी बनाऊंगी। मेरे बाल का क्या हाल हुआ रहता है? छोड़ दूंगा ना, अगर एक साल छोड़ दिया ना, तो सब बाल का कचरा निकल जाएगा। क्या एक साल अगर छोड़ दिया ना, कहाँ? हाँ। अगर एक साल छोड़ दिया ना, तो आपका बाल का कचरा निकल जाएगा। सीधा बैठिए, चलिए। गाइस हम अब मैं अपना बाल में कॉम्ब नहीं करती हूँ, सब काम कर लेती हूँ, घर का खाना बनाती हूँ, सब काम कर लेंगी लूंगी, लेकिन जब अपना हेयर कॉम्ब करने का है ना, जब बारी आएगा तो नहीं करूँगी। तो जब भी वीकेंड में है ना, यही मेरा हेयर कॉम्ब करेंगे, ऑयल लगाएंगे, तब जाके मेरा, नहीं तो अभी बाल है ना एकदम झड़ के मेरा हाथ में आ जाता। एक एक बाल करके निकालना पड़ता है, इतना उलझ जाता है। बिन तेरे मधम मधम भी चल रही थी धड़कन, जब से मिले तुम हमें आंचल से तेरे बंधे दिल। कितना दिन हो गया बाल झाड़े हुए? मेरे को आप नहीं झाड़ते तो मन नहीं होता मेरे को बाल झाड़ने का, पूरा मेरा बाल उलझ जाता है। सड़ा लीजिएगा सब बाल। तो सड़ जाएगा तो क्या हो गया, टकली ना हो जाऊंगी? क्या हो गया, टकली हो जाऊंगी तो अच्छी नहीं लगूंगी, अच्छी नहीं लगूंगी। हम लोग कैसे ही चलता रहता है, गाल में तेल मत लगाइए। सही बताई जरा, बढ़िया बताओ, बताओ बताई जरा, संकट।